हेलो एवरी वन आई एम जहांगीर तड़वी वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू डे फ्रेंड्स वे आर लर्निंग एंटीबायोटिक्स इट मीनस बिटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स डे फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्टम एंटीबायोटिक का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन वो अपना ऑलरेडी हो चुका है और इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन सिफालोस्पोरिन का सिफालोस्पोरियन पार्ट वन कवर किया हम लोगों ने जिसके अंदर हमने देखा है सिफालोस्फोरिन फर्स्ट जनरेशन और सिफालोस्पोर इन सेकेंड जनरेशन अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पेनिसिलिन और सिफालोस्पिन पार्ट वन का भी आप देख पढ़ लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए उसमें से टुडे वी आर लर्निंग द सिफालोस्पोरिन थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स लेट्स स्टार्ट टू लर्न द सिफालोस्पोरिन डियर फ्रेंड्स इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो वी लर्न सिफालोस्पोरिन इज द सैंथेटिक एंटीबायोटिक्स विच इज ड्राइव फ्रॉम द सिफालोस्पोरिन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिफालोस्पोरिन सी दि सिफालोस्पोरियम सॉरी सिफालोस्पोरिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम द फंगस सिफालोस्पोरियम डे फ्रेंड्स कैमिकल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द पेनिसलिन सिफालोस्पोरिन का जो कैमिकल स्ट्रक्चर है वो पेनिसलिन के जैसा ही है जिसमें कि हम देखते हैं द न्यूक्लियस ऑफ सिफालोस्पोरिन इज बिटालैक्टम एंटीबायोटिक्स विच इज फ्यूज विद डाहाइड्रोथाइजन रिंग क्या होता है सिफोलोस्प्रिंग का जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये यह लेक्टम रिंग है फ्रेंड्स और जिसके अंदर ये सेकंड वाली जो रिंग है दैट इज डायहाइड्रोथन रिंग से मिलकर बना है का न्यूक्लियस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी फ्रेंड्स ड्यू टू द स्ट्रक्चर एसेबलनेस विद द पेनिसिलिन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड बैक्टेसाइडल एक्शन इज सिमिलर टू द पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन का केमिकल स्ट्रक्चर पेनिसिलिन के जैसा ही होने के कारण इस सिफालोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके बैक्टेरियल एंटीबैक्टेरियल एक्शन पेनिसिलिन के जैसा ही है दैट इज द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सेंथेसिस जैसा हमने ये देखा डियर डी फ्रेंड कि जो पेनिसिलिन है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बैक्टीरिया की सेल वॉल की सेंथेसिस को इनहिबिट करता है वैसे ही सिफालोस्पोरिन भी क्या करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलवाल सेंथेसिस को इनहिबिशन करता है तो डियर फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में एज वेल एज के लेक्चर में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि हाउ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स किल द बैक्टीरिया मतलब इन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है इस लेक्चर के अंदर भी डिफरेंस वंस अगेन अपन इसको जस्ट ऑनली द रिवाइज करते हैं हाउ द एन पेनास पेनिसिन इज एक्ट एंड हाउ वट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिफोर दैट वी मस्ट नो द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन हमें पता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोगलाइकन की मिलकर बनी होती है डियर फ्रेंड्स अभी जो पैप्टाइडोगकन है इसके दो बेसिक रेसिड्यूज होते हैं द नेम इज यू डी पी एंड एसिटाइल मुरामिक एसिड पेंटापैप्ट एंड यूडीपी एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये दो रेसिड्यूज हैं पैप्टाइडोग्लाइकन के इन दो रेसिड्यूज से सेल वॉल बनती है अब देखते डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जब होती है बैक्टेरियलो सेंथिसिस की तो यूडीपी एन एसिटाइल मुरामिक एसिड पेंटापेप्टाइड और यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाते हैं और इनका जो यूडीपी है वो स्प्लिट ऑफ हो जाएगा ठीक है और ये मर्ज होने के कारण बाइंड होने के कारण इस टाइप की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन बना लेते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत सारी लॉन्ग चेंस का फॉर्मेशन होता है अब इन लॉन्ग चेन्स बन जाने के बाद में इसके जो फाइनल स्टेप है

स्ट्रेट लाइंस के बीच में क्रॉस लिंकेज करवाता है इस टाइप का दिस क्रॉस लिंकेज प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल वॉल एंड बैक्टेरिया वेल एंड कॉज द डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो क्रॉस लिंकिंग होती है ट्रांसपेप्ट एंजाइम करवाता है जिससे क्या हो जाएगा कि फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया की जो सेलवाल उसको रिजिडिटी और स्टेबिलिटी मिल जाती है बट वेन इन प्रेजेंस ऑफ द दिफॉलोसफरी एंटीबायोटिक्स और इन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया डिवाइड्स ठीक है दैट टाइम आर एंटीबायोटिक इनहिबिट द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज एंड अल्टीमेटली दिस क्रॉस लिंकेज डज नॉट टेक प्लेस क्या होता है कि जब कभी भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है और हम जब उसको क्योर करने के लिए उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं बेटा इलेक्ट्राम एंटीबायोटिक चाहे चाहेन हो चाहे वो पेनिसिलिन हो तो वो एंटीबायोटिक क्या करती है डियर फ्रेंड्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी ट्रांसपेपटाइटिज एंजाइम जैसे ही इनहिबिट होगा तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी और जो न्यू बैक्टीरिया का फॉर्म बनेगा वो बनेगा सेल वॉल डिफिशियंट फॉर्म उसको क्या बोलते हैं अपन वॉल डिफिशियंट फॉर्म बनता है न्यू बैक्टीरिया का जब बैक्टीरिया सिफॉलोसपोन एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में डिवाइड होता है तो तो नया फॉर्म जो बनता है वॉल डिफिशियंट फॉर्म बनेगा मतलब विदाउट क्रॉस लिंकेज वाला अब ये सेल वॉल डिफिशियंट फॉर्म जो होगा तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा स्वेल स्वेल होने का रीजन ये होता है कि जो भी नया फॉर्म है बैक्टीरियल फॉर्म है उसका जो पेरीफेरी का जो एटमोस्फेयर है वो हाइपरोस्मेटिक होने के कारण ये स्वेल हो जाता है और फाइनली ये जो न्यू फॉर्म है डियर डिफ्रेंट ये बस्ट हो जाता है और बर्स्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड द सेल लाइसिस सेल लाइसिस मतलब बैक्टीरिया की जो सेल हो किल हो जाती है दिस इज द मैकेजम ऑफ एक्शन ऑफ द बिटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स आफ्टर द मैकेजम ऑफ एक्शन ऑफ सीफॉल एंटीबायोटिक्स फ्रेंड्स, नाउ वी आर लर्निंग

तो डी फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं ओनली थर्ड जनरेशन सिफालोस्फरीन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन सिफालोसफरीन की भी अपन स्टडी करने वाले हैं तो लेट स्टार्ट टू लर्न द थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन इज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन ऐटी डीएफ थर्ड जनरेशन जो सिफालोस्पोरिन सिफालस्पोरिन एटी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विच आर हाईली रजिस्टेंड टू द बिटा एक्टामजे बिटा एक्टामेज के लिए रजिस्ट होती है एंटीबायोटिक क्या होता है डी एफ्रेंस बिटाल एक्टामेज एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है इन लोगों ने ठीक है जैसे आइडियली पेनिसिलिन के लिए फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के लिए तो ये बिटाइलेक्टमज एंजाइम क्या करते हैं जो हमारी बिटाइलेक्टम एंटीबायोटिक है उसकी बिटालेक्टम रिंग को ब्रेक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है डी नेचर कर देती है इनएक्टिव कर देती है जिसके कारण से एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है लेकिन जो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स है इसकी मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स इस बिटालेक्टम्स के लिए रजिस्ट हैं ठीक है जिसके ऊपर इस बिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है डी फ्रेंड्स इसलिए हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है क्लिनिकली टू क्योर द एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन डी फ्रेंड्स द सम मेंबर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन सी आर द गुड ब्लड ब्रेन बैरियर पेनीट्रेबिलिटी मतलब ये ब्रेन के अंदर इजीली इनका पेनिट्रेशन होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक जाती है इट मींस इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मेन ऐसे बैक्टेरिया जिन्होंने मैनिंजाइटिस कॉज किया है उन बैक्टेरियाज को किल करने के लिए थर्ड जनरेशन सिफॉ सिफालसफोन गु बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी पेनेट्रिबिटी है ब्रेन तक वो बहुत अच्छी है मतलब ब्लड ब्रेन बेरियर को क्या करती है क्रॉस कर देते हैं द फर्स्ट मेंबर ऑफ थर्ड जनरेशन सिफालोस्फोरिन इज द सेफोटेक्सिम सेफोटेक्सिम इज द पैरेंट्रल एंटीबायोटिक्स डियर फ्रेंड दिस इज द थर्ड जनरेशन सिफालोस्फोरिन एक्जैक्ट पोटेंट एक्शन ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थर्ड जनरेशन की सेफोटैक्सीमेड फ्रेंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत अच्छे अपना पोटेंट एक्शन देती है ठीक है बट इट इज नॉट एक्टिव ऑन एनआरओस बट जो एनआरबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये बहुत इफेक्टिव नहीं है जैसे कि बैक्टेरियल फ्राइजिल के अगेंस्ट देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड सीडोमोस ऑरिजोनोस के अगेंस्ट इसकी इफेक्टिविटी थोड़ा सा कम है द द फ्रेंड्स नाउ यूजेस ऑफ लेफोटिम विच इज प्रमिनेटली इंडिकेटेड इन द मैनिंजाइटिस ठीक है मैनिंजाइटिस के अंदर इसको अपन यूज करते हैं आइडियली आइडियली अगर वो मैनिंजाइटिस कॉज हुआ है ड्यू टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ठीक है इसका फर्स्ट इंडिकेशन है द अनदर इंडिकेशन इज लाइफ थ्रेटनिंग रजिस्टेंट एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ठीक है देन अनदर इंडिकेशंस ऑफ दिस सेपोटैक्सिम इज द सेप्टीसेमिया एंड इन्फेक्शन इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट सेप्टीसेमिया मतलब इन्फेक्शन ब्लड के अंदर है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है देन इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर भी अपन सेपोटेक्सिम को यूज़ कर सकते हैं डे फ्रेंड इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं ऐसे क्रोनिक पेशेंट जिन क्रोनिक uh, डिजीज से वो सफर कर रहे हैं तो वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है अब क्रोनिक डिजीज हो सकती है चाहे वो लीवर डिजीज है चाहे किडनी डिजीज़ है, kidney disease है। ठीक है तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है टिबरकोलोसिस के पेशेंट का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं एच पेशेंट जो है उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है इम्यून सिस्टम एज वेल एज ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड्स हेल्प से ट्रीटमेंट कर रहे किसी डिजीज का या स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो होता है अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए सेपोटेक्सिम का यूज किया जा सकता है अनदर इंडिकेशन ऑफ सेपोटेक्सिम इज द इन टाइफाइड फीवर अल्टरनेटिव टू द सेप्ट्रैक जोन अगर किसी पेशेंट का टाइफाइड फीवर को क्योर करने के लिए हम सेप्ट्रेक जोन को यूज नहीं कर सकते तो उसकी प्लेस पर हम सेपोटेक्सिम यूज करते डी ए फ्रेंड्स अनदर इंडिकेशन इज द यूरेथराइटिस ओके okay, यूरोथराइटिस के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स फॉर एज अ सिंगल डोज थेरेपी वन ग्राम आई एम देते हैं और इसके साथ में हम ओरल डोज देते हैं वन ग्राम प्रोबेनिसीड तो यूज फॉर द स्पेशली इन केस ऑफ पी पी एन जी यूरेथराइटिस में ऐसे बैक्टीरिया जो कि पेनाज प्रोड्यूसिंग नाइजेरिया गोनोरिया उन्होंने यूरोस किया है तो हम उस पर सेफोटेक्सिम का यूज करते हैं इनका जो डोज डी एसोटेक्सिम काम और आई वी एवरेज सिक्स टू तो ट्वेल्व आर्ली देते हैं चिल्ड्रन के अंदर इसका फिफ्टी टू हंड्रेड एम जी पर, पर के जी पर डे के हिसाब से हम इसको डोज एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है सेफोटेक्सिम का डी एफरें नाउ दिज आर द मार्केटेड ब्रांड ब्रांड पूरी होल रेंज होती हंड्रेड एम जी वन ग्राम ठीक है डेढ़ ग्राम इस टाइप से अवेलेबल होते हैं मार्केट मेंज द ब्रांड ऑफ द अबाउट कंपनी ओके एन दिस वन इज द फ्रॉम द अल्केम नाउ अनदर मॉलिक्यूल अनदर ड्रग ऑफ दर्ड जनरेशन सीन इज दिन पेरेंट्रल इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड इट्स इंडिकेशंस आर टोटली सिमिलर टू द सेफोटक्सिम जैसे हमने पहले प्रीवियस ब्रांड सेफोटैक्सिम पड़ा उसी जैसे इसके टोटल एक्टिविटी होती है बट इनहिबिट्स द बी फ्रेजिलिस डिफ्रेंट की जो सेफोटेक्म था जो बैक्टेरिया फ्रेजिलिस को इनहिबिट नहीं करता था बट इसकी कैपेबिलिटी है कि बैक्टेरिया फ्रेजिलिस को भी इनहिबिट करता है द डोज ऑफ सेफ्टीजोक्सिम का है जीरो पॉइंट फाइव मतलब फाइव हंड्रेड ग्राम से लेकर टू ग्राम आई एम या फिर आई वी एवरी एट टू ट्वेल्व आवर मतलब डे के अंदर हम इसको टी आई डी या फिर बी आई डी एडमिनिस्टर करते हैं डिपेंड्स ऑन दिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन नो अनदर ब्रांड इज दर्ड जनरेशन पैरेंट्रल एंटीबायोटिक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है ऑलमोस्ट एट आर इसका टी हाफ है इसलिए हम इसको ओडी एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर बी आई डी भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑब्वियसली डिपेंड ऑन दिविरिटी ऑफ इंफेक्शन दैनिट्रबिलिटी इन दी एस आई मीन से गुड एंड एलिमिनेशन अकरवल इन दूरिन एज वेल एज इन द बाइल डिफ्रेंस जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सेप्ट्रैक जोन की तो सेब स्पाइनल फ्लूड के अंदर भी इसकी गुड पेनेटिबिलिटी है इट मीन्स की इट कॉजेज द क्रॉस क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बेरियर आल्सो इसका जो एक्सक्रेशन है वो यूरिन के साथ में एज वेल एज बाइल जूस के साथ में भी होता है यूरिन के साथ में अगर होता है तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी जो ड्रग है एलिमिनेट होकर बॉडी से बाहर हो जाती बट बाइल जूस के साथ में अगर किसी ड्रग का एलिमिनेशन होता है तो देयर आर द चांसेस ऑफ एंट्रोहैपेटिक सर्कुलेशन डिफरेंस दूजेज ऑफ द सेप्ट्रैक जोन इज द इट हैज द हाई इफिकेसी इन अ वाइड रेंज ऑफ सीरियस इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस स्पेशली इन चिल्ड्रन मैनिंजाइटिस हैं तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट मैनिंजाइटिस इट मीन्स कि जो हमारा ब्रेन है ब्रेन के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसको बोलते हैं मैनिंज अगर इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पर इंफ्लामेशन हो गया तो हम उसको बोलते हैं मैनिंजाइटिस अनदर इज द मल्टी रजिस्टेंट टाइफाइड फीवर देन कॉम्प्लिकेटेड यूरेनल ट्रेक इन्फेक्शन सेप्सिस एंड सेप्टीसेमिया एज वेल एज इन द गोनोरिया ठीक है इंक्लूडिंग द पी पी एन जी गोनोरिया इज द एस टी डी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डी एज वेल एज इन द कैनकोराइट ओके इसको अपन यूज किया जाता है कैंकोराइट के अंदर क्यूरेटिव जो डोज है डी एफ्रेंस सेप्ट्रैक जोन का दैट इज द वन ग्राम आई एम ओके इसका जो डोज है देन सिफेलिस के अंदर इसको वन ग्राम आई एम

थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या होता है डिफरेंस एक ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर है बट इस ड्रग को लॉन्ग टाइम लेने के कारण या यापेहाइडोज के कारण हो सकता है हाइपोप्रोथ्रोमिया हो मतलब कि थ्रोम्बिन का लेवल लो हो सकता है जिसके कारण से ब्लीडिंग के चांसेस हो सकता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसके डिफिशेंसी में चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के इसलिए ब्लीडिंग और हिमोलाइसिस के चांसेस होते हैं इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सेप्ट्रैक्म देन डोज है इसका अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन अगर हम देखें फॉर एसिसमीज स्किन एंड सॉफ्ट इन्फेक्शन एंड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए जो डिफ्रेंस का जो डोज है सेप्ट्राइक है उनको वन टू टू ग्राम आई वी या फिर आई एम पर डे इसको दिया जाता है ठीक है देन मैनिंग जिसके अंदर फोर ग्राम दिया जाता है डी फ्रेंड्स इनिशियली फोर ग्राम देंगे देन फॉलोड बाय द टू ग्राम आईवी ठीक है देन दो ग्राम के साथ में हम इसको फॉलो किया जाता है वंस डेली इसको दिया जाता है दिन में सिर्फ एक बार पहला दिन हम इसको चार ग्राम देंगे मैनिंग जैसे इसमें देन उसके बाद में दो ग्राम के साथ में दो ग्राम पर डे हम इसको एडमिनिस्टर किया जाता है डीएफ फ्रेंड्स ठीक है फॉर सेवन टू टेन डेज के लिए चिल्ड्रन के अंदर इसका जो डोज है सेवेंटी फाइव से हंड्रेड एम जी पर के जी पर बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं

दोन देना होता है दो ग्राम पर डे के हिसाब से ठीक है चिल्ड्रन के अंदर सेवेंटी फाइव एम जी पर के जी इसका डोजेज है मार्केट ब्रांडेड डिफरेंस मोनोसेफ मोनोटेक्स अब क्या होता है कि जो सेप्ट्रैक डिफरेंस कुछ बैक्टीरिया हैं जो रजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं उस रजिस्टेंट बिटा लैक्टामज प्रोड्यूस करने के कारण तो हमें उस रेजिस्टेंस को सबसाइड करने के लिए हमें बिटा लेक्टामाइज इनहिबिटर्स को इनके साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है अब जो बिटा लक्टामाइज इनहिबिटर्स है सेप्ट्राइजोन के साथ में तो वो हो सकता है सालबेक्टम या फिर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं टाउजोबैक्टम्स और उसके कुछ ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर लाइक द सेप्टी चेक है देन सुप्रॉक है जिसके अंदर हम सेप्ट्राइजोन के साथ में सालबेक्टम दे रहे हैं ठीक है डे फ्रेंड्स जैसे कि सेप्ट्राजोन 250 एमजी तो साथ में देंगे 125 एमजी और अगर सेप्ट्राजोन 1 ग्राम है तो हम साथ में देंगे 0.5 ग्राम सालबेक्टम ठीक है देन अनदर है डे फ्रेंड्स मोंटाज या फिर एक्स्ट्रा सेप या फिर टाजो देन फाइन सेप टी जिसके अंदर सेप्ट्राजोन 1 ग्राम है इसके साथ में ताजोबेक्टम जो डीएफ है 125 एमजी के हिसाब से हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये क्या होता है जो साल है या फिर इनिबिटर है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे जो कि हमारी बिटालेक्टम एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय ओपनिंग द बिटालेक्टम रिंग डियर फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट देयर आर द ब्रांड मार्केटेड ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट ओके okay, जिसके अंदर सेप्ट्रैक जोन है जो सेप्ट्रैक जोन मोनोसेफ है मोनोसेफ की पूरी पूरी रेंज है डी एफ रेंट से प्लेन सेप्ट्रैक जोन देन एक् जोन है इसके साथ हम देखते हैं सालबेक्टम के साथ में सेप्टोन सी वन एस बी है एबॉड uh, कंपनी का है देन सेप्ट्रैक जोन सालबेक्टम का मोनोसेफ एस बी देन सेप्ट्रैक जोन के साथ में टाजा बेटम डी एफ रेंट मोनटास के साथ में एंड मोनटास की पूरी पूरी रेंज होती है डी एफरेंट से नॉ इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर इज द अनदर ब्रांड इज द सेप्टा डिफरेंस सेप्टाटिज हाईली एक्टिव अगेंस्ट दीडोमोनास ऑरिजोनोसा एंड द स्पेसिफिक इंडिकेशन जो इसके फेबरा न्यूट्रोपनिक पेशेंट विद द हिमेटोलॉजिकल मैनजेस बर्न के अंदर हम इसको यूज करते हैं डिफरेंस सेप्टा जीडिम को अब ये सेप्टाजिडि रजिस्ट फॉर द बैक्टीरिया सीडोमोनास ऑरिजोनोसा के लिए इसलिए स्पेसिफिक केसेज के अंदर इसको यूज किया जाता है जैसे फेब्रा न्यूट्रोपनिक पेशेंट के अंदर ठीक है जिसके अंदर हिमाटोलॉजिकल मेलेगनेंसी है या फिर बर्न पेशेंट है इसके कुछ एक्टिविटी है डियर फ्रेंड्स अगेंस्ट द एंट्रोबैक्टेरियसी के साथ में दैट इज सिमिलर टू द सेफोटैक्सिम ठीक है बट इज लेस एक्टिव ऑन द स्टेप्टोकोकस ऑरियस एंड ग्राम पॉजिटिव कोके एंड एराबोस लाइक द बैक्टेरिया फ्रेजिलिस तो हमने ये देखा है कि जो सेफ्टाजिडी में डियर फ्रेंड्स इसकी जो इफेक्टिविटी दैट इज सिमिलर टू द सेफोटैक्सिम ठीक है इन केस ऑफ एंट्रोबैक्ट्रिसी के अंदर बट लेस इफेक्टिव है इन एज कम्पेयर टू सेफोटेक्सिव इन केस ऑफ दस्टाफेलकोक ऑरियस के अंदर और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में देन एडवर्स इफेक्ट न्यूट्रोपनिया मतलब कि जो डब्ल्यू बी सी है न्यूट्रोफेस उसकी डिफिशेंसी होती है लो लेवल हो जाता है या फिर थ्रोमोसाइटोपनिया मतलब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है देन राइज इन प्लाज्मा ट्रांस ट्रांस एमिनेज प्लाज्मा के अंदर ट्रांस एमिनेज एंजाइम का लेवल बूस्ट होगा देन ब्लड यूरिया का भी लेवल इंक्रीज इंक्रीज हो जाता है इसका जो डोज है डी फ्रेंड सेप्टाजीडियम का जीरो पॉइंट फाइव ग्राम टू टू ग्राम आई या फिर आईवी एवरी एट आवरली दिया जाता है इसको मिस टी आई डी एडमिस्टर करेंगे देन चिल्ड्रन के अंदर थर्टी एम पर के पर डे के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करके डोज एडमिनिस्टर किया जाता है अनदर ब्रांड इज द सेफोपेराजोन विच इज ऑल्सो द पेरेंट्रल थर्ड जनरेशन सिफॉलोस्पोरिन इट हैज़ द गुड फॉर द सार्मोनेला टाइफी एंड बी फ्रेजिलिस ऑल्सो बट मोर असेप्टेबल टू द बिटाक्टामेज फ्रेंड, ये जो सेफोपेराजोन है टाइफॉइड फीवर के लिए और बैक्टीरियल फ्रेजिलिस से होने वाले इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए बहुत अच्छे एंटीबायोटिक है लेकिन दिस इज दसेप्टेबल टू द बिटालेक्टामेज मतलब ऐसे बैक्टेरिया जो बिटालेक्टामेज प्रोड्यूस करके एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये एंटीबायोटिक जो है जल्दी इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है इसलिए बिटाइलेक्टेम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम इसको यूज नहीं करना चाहिए द प्राइमरी इन बाइल हाफ इज द टू आवर्स यूजेस है इसके अंदर सीवियर यूनिरी ट्रैक इंफेक्शन ब्लेरी इंफेक्शन रेस्पायरेटरी इंफेक्शन एंड एस एस टी आई के अंदर हम इसको यूज करते हैं एज वेल एज टाइफाइड एंड सेप्टी सेमियामेस इसको यूज किया जा सकता है डियर फ्रेंड्स नाउ द डोज ऑफ दिस सेफोपेरा जो वन टू थ्री ग्राम्स आई एम और आईवी एवरी एट टू ट्वेल्व सार्स मतलब बीआईडी या फिर टीआईडी दे सकते हैं इट हैज बीन कंबाइंड विद द सालबेक्टम ओके जो रजिस्टेंस है बिटालेक्टमाइज एंजाइम्स का ठीक है उससे बचने के लिए हम सालबेक्टम के साथ में उसको कॉम्बिनेशन में देते हैं जिसके कारण से क्या होता है उस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से बनने वाले एंजाइम को अपन डी नेचर्स कर सकते बाय द हेल्प ऑफ दिल्प मतलब सालबेक्टम मार्केटेड कुछ ब्रांड फ्रेंड्स जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देख लेते हैं इस कॉम्बिनेशन के लाइक द फ्रेंड्स देन नेक्स्ट वन इज द दाल्ट के साथ में सेफोपेराजोन लाइक like द जोस्टम 1.5 ग्राम या फिर मैगनेस फोर्ड वन ग्राम मतलब डेढ़ ग्राम के जिसके अंदर सालबेक्टम के साथ में सेफोपेराजोन अवेलेबल है दीज आर द मार्केटेड ब्रांड्स डियर फ्रेंड्स पेरेंट्रल थर्ड जनरेशन सिफॉलोसिन नाउर स्टार्टिंग टू लर्न द थर्ड जनरेशन और गुड थिंग इज दैट दिस एंटीबायोटिक इज रजिस्टेंड टू द बिटालेक्टमेज जो बैक्टीरिया बिटालेक्टमेज एंड एंज प्रोड्यूस करेक्टेबाइट को डिस्ट्रॉय कर देते ऐसे बैक्टीरिया भी जो हैं तो इस सिफिजिम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते क्योंकि सिफिजिम इज रजिस्टेंट टू द बीटा एंजाइम डियर फ्रेंड इट इज द लॉन्ग एक्टिंग दैट्स व्हाई इट कैन बी एडमिस्टर्ड ओनली द बीआईडी डोज है इसका 200 से 400 एमजी बीआईडी फॉर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन एंड बिलेरिन इंफेक्शंस के लिए ठीक है बिलेरिया इन्फेक्शन इन द सेंस कि जो अपना लीवर है वहाँ पे जो गॉल ब्लेडर होता है अगर उधर भी इन्फेक्शन है तो उसके इन्फेक्शन में अपन इसको यूज़ यूज कर सकते हैं द ब्रांड मार्केटेड ब्रांड इज जिफी टैक्सिम हो आर द मार्केटेड ब्रांड्स लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो होता है सिफिकिम का एजिथ्रोमाइसिंस के साथ में बैन है इट मीन्स कि सिफिक्जियम और एजिथ्रोमाइसिन को एक ही ब्रांड के अंदर अगर वो है तो ऐसे ब्रांड को हमें यूज नहीं करना है कि दैट इज द बेन इन द इंडिया इंडिया के अंदर ये जो कंपोजिशन है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड द मार्केटेड ब्रांड्स आर लाइक द जीपी पूरी की पूरी रेंज होती है डिफरेंस की फिफ्टी एम जी हंड्रेड एम जी टू हंड्रेड एम जी टैबलेट्स एज वे ड्राई सिरप्स होते हैं इनके ठीक है पेडाइटिक पेशेंट्स के लिए देन टैक्सीमो है डीफ्रेंड्स जिसके अंदर फिफ्टी एम जी हंड्रेड एम जी या फिर टू हंड्रेड एम जी अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर हैं, देन ड्राई सिरप्स होते आफ्टर अनदर ओरल थर्ड जनरेशन सिफालसफोरी इज दॉरी सेफोडॉक्सिम प्रोजेट सेफोडॉक्सिम सेफोडोक्सिम प्रोजेक्ट इज द एक्टिव एस्टर ऑफ प्रोड्रग स क्या होता है डी कि इन एक्टिव फॉर्म में ये मेटाबोलाइज होकर एक्टिव कॉम्पोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है देन अपना देता है देने के लिए इसका जो है है का ठीक इसका जो यूज होते हैं स्पेशली फॉर द यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन स्किन सॉफ्ट इन्फेक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है सेफोडॉक्सिम का इसका ब्रांडेड टू हंड्रेड एम जी बी आई डी मैक्सिमम दे सकते हैं अपन एट हंड्रेड एम जी पर डे मार्केट ब्रांड है बहुत सारे सर डॉग सेफ है सेफोडॉइम है ठीक है सेफो प्रॉक्स है गुडसेफ है एज वेल एड यूवा सेफ है मैकपॉड है, से है मैक मार्केट के अंदर ढेर सारे इसके ब्रांड्स अवेलेबल है अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर नॉर नेक्स्ट ब्रांड ये सेफडी नीर है सेफडी नीर इज द अनदर ओरल थर्ड जनरेशन से एंटीबायोटिक्स द गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द बिटा एक्टम प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ठीक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर हम सेफिनर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कैसे बिटालेक्टोमेज के लिए रजिस्टेंट है डी फ्रेंड्स इसका जो यूजेस है न्यूमोनिया में यूज किया जाता है एक्यूट एग्जर्बिशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के इंडिकेशन में हम यूज कर सकते हैं इसको देन ई एन टी स्किन इन्फेक्शन के अंदर भी हम इसको यूज किया जाता है डी एफ्रेंड डोज है थ्री हंड्रेड एम जी बी डी देन ब्रांड इसका सेवडीन है देन एट सेफ है डिफेंट ऑफ द मार्केट है मार्केट नॉ डियर फ्रेंड्स दीज आर द ब्रांड्स मार्केटेड ब्रांड लाइक द सेफोडोक्सिम के है डेयर फ्रेंड्स है एंड गुडसेफे है डिफरेंट ऑफ आर देयर नॉ अनदर एंटीबायोटिकर्ड जनरेपरी इज सेफ्टी बुटे इन दिस वन इज ऑल्सो ओरल प्रिपेशन सीफालोस्परी एक्टिव है अगेंस्ट द पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द स्टेफेलोकोकर्स ऑर ठीक है फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंटीबैक्टीरिया एंटीबैक्ट्री एक्टिविटी इसके अंदर लेकिन इस्टोकस और इसके अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ठीक है इट इज स्टेबल टू बिटाल एक्टामेज ये एंटीबायोटिक बिटालेक्टामज में क्या है स्टेबल है इट मीनस की बिटा एंजाइम इस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं एक्चुअली well, इसका कोई इंडिकेशन है आइडियली आइडियर एस्पाइट्रेक इन्फेक्शन एंड ई एंटी इन्फेक्शन ठीक है चाहे ओटाइटिस मीडिया के अंदर हो चाहे गले का इंफेक्शन हो ठीक है तो इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं देन To, इसका जो डोज है टू हंड्रेड एम जी बी डी या फिर फोर हंड्रेड एम जी ओडी इसको एडमिश्टर किया जाता है अनदर एंटीबायोटिक इज द सेफ्टामेट डियर दिस इज द आल्सो द एस्टर प्रो ड्रग मतलब ये कैसा होती है इनफेक्ट सॉरी इनएक्टिव ड्रग होती है ये मेटाबोलाइज होने के बाद में एक्टिव फॉर्म सेफ्टामेट के अंदर कन्वर्ट होती है देन अपना थेरापेटिक इफेक्ट देती है या फिर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देती है इसके जो यूज है डियर डिफरेंस सेफ्टामेट प्रोक्सिक का रेस्पेटरिक इन्फेक्शन में सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन इन्फेक्शन में एडमिस्टर कर सकते हैं ठीक है डोज का फाइव हंड्रेड एम जी बी डी या फिर टी डी एस मार्केटरेट ब्रांड इज द अल्टामेट टू फिफ्टी एम जी टैबलेट या फिर सेफाइम ओ फाइव हंड्रेड एम जी टैबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल है तो डियर फ्रेंड्स दिस ऑल अबाउट द थर्ड जनरेशन सिफालसपोरीन द मार्केट ब्रांड इज द सेफ बुटेन टू हंड्रेड जिसके अंदर सेफ्टी बुटेन है एट लास्ट डे फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू